तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, दलहनी फसलों के लिए खेत की तैयारी और सही परभेद का चुनाव कैसे करें। इस समय हम लोग जो बेमौसमी सेम का खेती करते हैं, तो बेमौसमी सेम जो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, विशेष करके जुलाई अगस्त सितंबर महीना में जो बाज़ार में सेम आते हैं, ये बेमौसमी सेम जिसको गोंधली सेम भी बोलते हैं यहाँ का भाषा में, इसका जो तैयारी, इसका जो खेती के लिए इस महीना का मैंने 15 से 30 तक, ये जो 30-31 तक जो समय है, मैंने दूसरा पखवाड़ा में इसका बुआई होते हैं। और इसके अलावा जो आने वाला जैसे जून महीना में जो जो खेती होने वाला है, तो उसमें दलहनी फसल में जैसे बोदी है और जैसे फरसबीन है, विशेष करके लतरदार फरसबीन है, और इसका खेती हम कर सकते हैं। और इसके अलावा जून महीना में जो एक नई फसल जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जी सोयाबीन, उसका खेती हम लोग जून महीना में 15 जून से 15 जुलाई तक बुआई कर सकते हैं। हरी फली को हरी फली का दाना को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, तो अभी इस महीना में जो हम जो भी खेती करने जाएंगे, तो ज़मीन का तैयारी अच्छे से करना चाहिए, 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके फिर हम उसमें बुआई करते हैं कैरी बना के। तो जैसे हम पहले बात करते हैं जो सेम का, तो ये यहाँ पर जो सेम है, सेम में जो प्रभेद है, ये प्रभेद दो प्रकार का है, एक है झाड़ीदार किस्म है और जो जो बेमौसमी किस्म है, जैसे कोंकण भूषण है और अर्का जय है, अर्का विजय है, जो झाड़ीदार किस्म है जो बेमौसमी खेती के लिए उपयुक्त है, हम इसी गर्मी में के समय बुआई करते हैं और बरसात में हमको फल मिलता है। इसके अलावा हमारे इस केंद्र से हम लोग एक उन्नत किस्म का विकास किए हैं जिसका नाम है HADB 32 और HADB 119 और स्वर्ण ऋतुवर, ये तीन प्रकार का किस्म का हम लोग विकास किए हैं। तो HADB 32 जिसका फली हरे रंग के होते हैं, गोल होते हैं, और ये बाजार में इसका बहुत बड़ा मांग है, तो करीब 80 से 100 रुपये किलो बिकता है। तो ये सब किस्म का जो जो लतरदार किस्म है, इसमें हम जो ज़मीन तैयारी करेंगे, तैयारी करने के समय हमको ये देखना है जे बीज उपचार करके ही बुआई करना है, जो बेबिस्टिन दवा 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज में उपचार करके बुआई करना। लेकिन बुआई से पहले ज़मीन का जब हम तैयारी करेंगे, तो उसमें हम 200 से 250 क्विंटल साड़ी हुई गोबर की खाद पड़ेंगे प्रति हेक्टर के दर से। बुआई से करीब एक महीना बाद जो निकाई गुड़ाई करके जब हम मिट्टी चढ़ाएंगे, उसमें और 22 किलो के मिले हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करेंगे। और जो उन्नत किस्म के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो ये जो सब्जी सोयाबीन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसमें जो उन्नत प्रभेद है वो है हमारे इस केंद्र से हम लोग विकास किए हैं जिसका नाम है स्वर्ण वसुंधरा। इसके अलावा एक बासमती सब्जी सोयाबीन है जिसका कच्चा दाना जब हम सब्जी के में इस्तेमाल करते उबालते हैं, तो उसमें बासमती चावल का खुशबू निकालते हैं, तो हम लोग स्वर्ण सुगंधा अभी नाम दिए हैं उसको, तो इसका भी खेती किसान भाई कर सकते हैं। जब हम लतरदार फरसबीन जो बरसात की खेती यहाँ का किसान भाई करते हैं बहुत अच्छे तरह से, तो उसमें हमारा इस केंद्र से विकसित हुई है, जैसे स्वर्ण लता है, HAPB 3 है, HAPB 4 है, और इसी तरह जैसे बिरसा प्रिया है, कुसा हिमलता है, ये सब किस्म जो उन्नत किस्म है जो लतरदार फरसबीन है, इसका हम खेती कर सकते हैं। तो ये सब का जैसे जितना लतरदार किस्म है उसको हम लाइन से लाइन का दूरी हम 1 मीटर रखते हैं, और पौधा से पौधा दूरी जैसे फरसबीन के लिए हम 6 इंच रखते हैं, और जैसे सेम के लिए हम करीब 60 से 75 सेंटीमीटर रखते हैं पौधा से पौधा की दूरी। और जैसे ये जो सब्जी सोयाबीन है, तो सब्जी सोयाबीन के लिए हम दूरी रखते हैं 1.5 फीट लाइन से लाइन और पौधा से पौधा 1 फीट। तो इसी तरह हमारा जो बीज का बीज को उपचार करके, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है,
तो फफूंद का प्रकोप हो सकता है जमीन में, इसीलिए बीज को उपचार करके ही बुआई करना चाहिए। जैसे मैंने बताया बेबिस्टिन दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में, प्रति किलो बीज में उपचार करके हम बुआई करेंगे। और कुछ कुछ जैसे बीमारी का प्रकोप होता है, जैसे एंथ्रेक्नोज है, इसके लिए हम मतलब खड़ी फसल में डाइथेनम 45 दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते 10 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए।